फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही खास होने वाला है। सो कहीं भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मिस करिएगा तो हर चीज़ आपको मिस होगा। सो यहाँ का जो आज का ब्लॉगिंग है, स्पेशली आसनसोल के सीने पे एक नया मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स तैयार हो चुका है, और आसनसोल स्टेशन के 100 मीटर के दूरी में पायल मल्टी प्लाजा कुछ दिन में ओपन होने वाला है। सो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानने मिलेगा, प्लीज बने रहिए। दोस्तों मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं आपका EST21 का एक्सक्लूसिव सेल्स मार्केटर मनोज प्रसाद। सो थैंक यू सर, आपका मतलब ना बिजी शेड्यूल में आपने समय दिया, तो बाकी का जो जो चीज है सर हमको बताएंगे, और आप बने रहिए, ठीक है? तो सर चलते हैं अंदर तक। ग्राउंड फ्लोर है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये टोटली कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं ये जो मॉल है, ये टोटल एक्चुअली देखा जाए तो 5 एकड़ के ऊपर है। 5 एकड़ जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ क्या है ना, हम लोग जो आपको यहाँ पर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि एक छत के नीचे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन। अच्छा, जैसे कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने इंडिविजुअल एक एक काउंटर बनाया हुआ है। अगर काउंटर का हम लोग साइज बताएं तो मिनिमम अगर हम लोग साइज देखते हैं तो 8x14 का, यानी कि देखा जाए तो 202 स्क्वायर फीट से स्टार्ट करके मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास एक रेस्टोरेंट तक खोलने का स्पेस हम लोग दे रहे हैं। वाओ, एक्चुअली क्या है, इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर है। हाँ। जिसमें हम लोग काउंटर जो अवेलेबल दे रहे हैं वो है आपका 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, और 5th फ्लोर में हमारा बैंक्वेट हॉल है, गेमिंग जोन है, बैंक्वेट हॉल भी है। बिल्कुल, ग्रेट, मल्टीपर्पज, एकदम हर चीज मिल रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जो सेगमेंट लोगों को पहले एयरपोर्ट से निकलते वक्त मिल रहा था, आसनसोल स्टेशन के बाहर बोलूंगा। हमारे पास यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का हमारा ये काउंटर अगर हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं लंबाई और चौड़ाई अगर बताऊँ तो ये क्या है ना, आप देख सकते हैं काफी बड़ा काउंटर। हाँ, ये बहुत बड़ा काउंटर है। ये कितना होगा, ये वाला आपका साइज जो है ना 8x14। अच्छा, यानी कि आपकी जो लंबाई है वो 14 फीट की है। अच्छा, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट। अच्छा, काफी बड़ा काउंटर है ये, मिनिमम है। ये कितना, 202 है, 204? ये 202 का है, 202 का है ये मैक्सिमम है। एक्सीलेटर यहाँ कितना है? एक्सीलेटर हमारे पास यहाँ, यहाँ पर सभी टावर पे हम लोगों ने टोटल अगर हम लोग बताएं तो 7 एक्सीलेटर। 7 एक्सीलेटर, बिल्कुल। ओके, जो काफी अट्रैक्टिव है, आप देख भी सकते हैं। सो दोस्तों लिफ्ट में जा रहे हैं, अभी कहाँ, अभी हम लोग 0 में है, 1 में चलेंगे। 15 लोग, 15%, 1020 किलो। और ये हमारा 1st फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे थे। अच्छा, अभी हम लोग 1st फ्लोर पे हैं, आप देख सकते हैं 1st फ्लोर पे। अभी जो सुनोगे? बिल्कुल, आप देखिए, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास जो वैरायटीज है वो अलग अलग काउंटर के अलग अलग साइज है। अब ये देख लिए, ये साइज जो है ये करीब आपका ना 400 स्क्वायर फीट का है हमारा। ये 204 होगा। हाँ, ये 204 के लगभग है हमारा। हाँ, ये करीब 250 के लगभग में है। स्टेशन सामने है। बिल्कुल, उतरेगा, चलो भाई को शॉपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आसनसोल स्टेशन का सामने जिस तरह का क्राउड था, तो उसमें हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कभी इस तरह का कुछ ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। एक दुकानदार जब खोलेगा यहाँ स्टोर लेना चाहेगा,
उसको क्या-क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात है ना कि आदमी कुछ भी सामान या कुछ भी लेने से पहले सिक्योरिटी पहले चेक करता है, है ना। तो सिक्योरिटी के तौर पर अगर देखा जाए हमारे पास ऑप्शन हमारे मेन गेट पे सीसीटीवी कैमराज और प्लस आपका सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो काउंटर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पर क्या है फायर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे मॉल में आप अगर आप देखें छत पे हम लोगों ने ये सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, ये फायर सेंसर है, ये पूरा का पूरा मॉल में हम लोगों ने दिया हुआ है, जिससे क्या है कि अगर फायर इंसिडेंट अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये सायरन के साथ साथ यहाँ पर ये अलर्ट हो जाएगा और ये यहाँ से पानी का जो एक फुहारा होता है उसके बदल उस चीज में हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, साथ में हम लोग डीजी बैकअप भी दे रहे हैं जो ये पूरे सिस्टम को आपको एक्टिव करके रखेगा, और साथ में सोलर सिस्टम। टोटल देखिये यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के जो काउंटर है वो काउंटर हमारे पास 150 यूनिट थे, जिसमें से हमारे पास 45 यूनिट अभी बिक चुके हैं और अभी भी लोगों का ताता लगा हुआ है आने के लिए। ये देखिए उससे बड़ा काउंटर है ये, तो ये देखिए बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल ना? हाँ जी हाँ जी। ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितने भी काउंटर दिए रहे हैं वो टोटल ही आप तो देख रहे हैं कि पूरा मॉल जो हमारा है वो आपका एसी है, मतलब सेंट्रल एसी। साथ में हम लोग ना हर एक काउंटर में आपको एसी का पॉइंट दे रहे हैं, बिल्कुल सभी काउंटर में एसी रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐड किया हुआ है, साथ में सीसीटीवी कैमरा आप देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरा थोड़ी थोड़ी दूरों में हम लोग सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर भी है हर एक काउंटर के, मतलब 2-3 काउंटर के छोड़ छोड़ कर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा दिए हुए हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है हमने। तो सेकंड फ्लोर आ चुके हैं, चलिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है क्या ना कि हम लोगों ने हर एक फ्लोर पे कुछ काउंटर्स को ना बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हम लोग डिजाइन किया हुआ है, तो यही चीज है जिसके वजह से ये मॉल काफी अट्रैक्टिव भी दिखता है। ऐसा कुछ है कि एग्जांपल के कैसे कैसे स्टोर खोल सकता है? देखिए यहाँ पर ना नॉर्मली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो काउंटर्स होते हैं, बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह आप देखे होंगे, वहाँ पर बहुत तरह के काउंटर होते हैं, जैसे कपड़ों का काउंटर हो गया, फिर ग्रोसरी शॉप का हो गया, इसके साथ साथ फल फ्रूट्स के भी अलग से काउंटर होते हैं। कोशिश क्या है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, उसको एक छत के नीचे वो सारी चीजें मिल जाए। जो काउंटर्स होते हैं ये सब मतलब काफी बड़े बड़े ब्रांड लेते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या कि हम लोगों ने ना टोटल लिफ्ट जो है ना दोनों साइड ही प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे हमारे आप जैसे मॉल पे आते हैं तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम लोगों ने लिफ्ट का ये किया हुआ है। बिल्कुल हाँ जी हाँ। तो दोस्तों आप सीढ़ी का यूज करेंगे, हम लोग हर फ्लोर तक चलेंगे, तो चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा यूनिक लग रहा है, यहाँ पे क्या बनने वाला? हाँ, थर्ड फ्लोर जो हमारा है ना, ये थर्ड फ्लोर बिल्कुल ही यूनिक है। एक्चुअली ये यहाँ पर हम लोगों ने ना रेस्टोरेंट का जगह है। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस है, ठीक है। ये करीब 3600 square feet। हाँ जी हाँ जी। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा हमारा ये रेस्टोरेंट ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द ही ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे आप लोग अपने पहले देखा है। बाकी हमारा बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं ये जो काउंटर है, अच्छा। ये 1-2 काउंटर ये एक सैलून ने लिया हुआ है पूरा। बिल्कुल ये काउंटर ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, अच्छा। जिसकी वजह से उनका अपना जो फर्नीचर का काम चल रहा है। बहुत अच्छा है, देखिए दोस्तों अभी बन रहा है, तो भैया जी अभी बना रहे हैं। और एक चीज है, आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा रेलवे
स्टेशन आपको देखिए यहाँ से कितना नजदीक दिख रहा है। थर्ड फ्लोर पे हम लोगों ने क्या देखा है कि एक हम लोगों ने रेस्टोरेंट का स्पेस दिया, दूसरा इसके साथ साथ और भी काउंटर्स है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ फ्लोर एक्चुअली सच में काफी अट्रैक्टिव है हमारा, और अट्रैक्टिव होने का कारण क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। आइए प्लीज। तो हमारा ये जो फ्लोर है ना फोर्थ फ्लोर, ये एक्चुअली फूड काउंटर है। फूड काउंटर बिल्कुल बनने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये फूड काउंटर आप देख सकते हैं काफी स्टैंडर्ड साइज हम लोगों ने दिया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको हर एक तरह की वैरायटी खाना अवेलेबल होगा। तो आने वाले टाइम में ये काउंटर ऐसे ही लोगों से भरा हुआ रहेगा। और कोई जाएगा नहीं कहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या कि ये जो काउंटर, अगर हम लोग कहीं बाहर काउंटर लेते हैं तो क्या होता है ना कि पब्लिक या कस्टमर आते हैं तो उनको बैठते उठने का बहुत दिक्कत। तो आप जो देख रहे हैं ये जो हमारा एरियाज है यहाँ पर क्या है कि टेबल वगैरह चेयर वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड रहेगा। आपका काउंटर ये हो गया पूरा फुल्ली एसी काउंटर, और साथ में क्या है कि कस्टमर को एक छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी खाने को मिलेगी। हाँ, ये सेल्फ सर्विस होगा। लोग देख चुके हैं यहाँ पे, देखिए ये तो फूड कोर्ट हो गया। फूड कोर्ट 19 प्लस शायद स्टोर यहाँ दुकान खुलेगा। हर तरह का दुकान को देखने वाला, हर तरह का देख सक रहे हैं, और सब एसी। और ये हमारा सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट आता है, ये हमारा मॉल का सबसे बड़ा जिम। कितने दिन से काम कर रहे हो? 2 साल से। तो दोस्तों देखिए 2 साल से काम कर रहा ब्रदर। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोगों ने क्या है ना कि टोटल ही लोगों को एक क्या बोल सकते हैं कि पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, फोन में मल्टीमीडिया जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही चीज है यहां। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप लोगों ने देखा कि कॉमर्शियल दुकानें तो हैं ही, साथ में रेस्टोरेंट वगैरह भी हम लोग दे रहे हैं, इसके साथ साथ जिम भी आपने देखा, इसके साथ साथ होटल कॉन्सेप्ट भी इसमें अटैच है। बिल्कुल, आप आकर देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों को ही एंट्रेंस हम लोगों ने अलग रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, ये आपका होटल हो गया, इसका जो हमारा है ये लिफ्ट है। बिल्कुल, ये आपका G+6 तक है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आपका होटल हो गया। अब अगर इसका रूम देखें, काफी लग्जरियस रूम है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, होटल अलग है। बिल्कुल, ये वाला थोड़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एकदम मॉडर्न स्टाइल का है। इससे बड़ा भी है। बिल्कुल, उसके लिए हम लोगों ने ना काफी दूर से और काफी अच्छे अच्छे कारीगरों को लेकर आया है। तो हर रूम के साथ एक कैमरा ऐड किया हुआ है, ये एक सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा चीज है। हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं फायर अलार्म, ये भी है।
सो दोस्तों फिफ्थ फ्लोर में आ चुके हैं। अब फिफ्थ फ्लोर में शायद बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल है। सबसे पहली बात है कि सिक्स फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा स्पेस हम लोगों ने लिया हुआ है और सबसे बड़ी है ना, इसके साथ साथ इसका कुछ लुक जो है वो बिल्कुल ही अलग है। आप देख सकते हैं झूमर वगैरह, तो ये झूमर वगैरह देखकर तो थोड़ा सा एहसास नहीं होता कि क्योंकि काफी बड़ा कॉन्सेप्ट और काफी बड़ा जगह के साथ हम लोगों ने लिया हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर कोई अलग पार्ट लेकर अलग अलग काउंटर करना चाहता है तो वो बहुत ही इजी कर सकता है। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से अगर हम लोग, हाँ बिल्कुल, इसको खोलकर हम लोग वॉल की तरह यूज कर सकते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वॉल को हम लोग क्या है ना कि इसके द्वारा हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे टान कर अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो ये देखिए ये वॉल के जैसा बिल्कुल। आप देखिए ये एक्चुअली एग्जिस्ट करने का है, ये हम लोग बाहर की ओर निकले हॉल से और इसके साथ एक बहुत ही अच्छा जो सभी लोगों का पसंद होता है वो है ये। आप आइए बिल्कुल ये। यहाँ पे क्या बनने वाला है? ये देखिए ये एक्चुअली ये डांस भी कर सकते हैं, डांस क्लास, जुम्बा क्लास वगैरह, साथ में क्या है कि ये योगा सेंटर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये काफी अट्रैक्टिव देख सकते हैं, चारों तरफ खुद को ही दिखेगा। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से हमारे जो आपका राइट साइड है ये हो गया बैंक्वेट हॉल, और ये साइड जो हमारा देख रहे हैं ये आपका रेस्टोरेंट भी है। ये काफी बड़ा आप देख सकते हैं, काफी सिस्टम हम लोगों ने रखा हुआ है। ये सिक्स फ्लोर है हमारा, यहाँ का सबसे टॉप फ्लोर हमारा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह का ही है, काफी बड़ा स्पेस है और ये पूरा ओपन हम लोगों ने रखा हुआ है। और यहाँ से आप पूरा आसनसोल का लुक देखिए। ये देखिए अभी इंटीरियर काम अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है, जब कंप्लीट काम हो जाएगा तब पता चलेगा। यहाँ पर ये जो टेरेस है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइडेड बिल्कुल है ना, तो ये हो गया मेरा होटल ऑप्शन। इस तरफ में हम लोगों ने होटल सेगमेंट रखा हुआ है और इस तरफ में हमारा कॉमर्शियल था। ठीक है, जैसे बहुत लोग आते हैं तो उनको चाहिए क्या होता है कि होटल वगैरह के लिए, तो हमारा एंट्रेंस जो होगा एक ही होगा लेकिन अंदर आने के बाद डिवाइड होता है, यानी कि आदमी अगर रात को या कभी भी प्लेटफॉर्म में उतर जाता है रहने के लिए दिक्कतें हैं तो बिल्कुल आसनसोल स्टेशन के सामने अनोखा एक ऑप्शन मिल जा रहा है। 24 घंटा साथ ही खुला रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर बोले जा रहे हैं, तो सर बोलिए तो मेन जो आप यहाँ का यूनिक पॉइंट क्या है? देखिए सबसे पहली बात है क्या कि हमने तो अभी आपको दिखाया मॉल, लेकिन मॉल में हमारे लोग जो आएंगे तो सबसे बड़ी बात है क्या कि स्टेशन के सामने का जो कंजेस्टेड एरिया
उसमें लोगों को क्या लगता है कि मॉल में अगर हम लोग शॉप ले भी लें तो पार्किंग का प्रॉब्लम आने वाला है वक्त में, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको हम लोगों ने पहले सॉर्ट आउट किया है। अच्छा, वो ऐसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये जो मॉल हमारा जो खड़ा है इसके साथ साथ हम लोगों ने पार्किंग का जो व्यवस्था किया है, यहाँ पर करीब 150 से 200 से ऊपर गाड़ियाँ पार्क की जा सकती है और वो भी बिना कुछ टेंशन के। साथ में हम लोगों ने कुछ और भी अलग लाया हुआ है जो बिल्कुल आसनसोल में ये फर्स्ट टाइम है, कलकत्ता में होने के बाद आसनसोल में फर्स्ट टाइम, और वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। हम तो बहुत एक्साइटेड है। बिल्कुल, आइए मैं आपको दिखाता कि कोलकाता के बाद अगर वो चीज आसनसोल में आया है तो वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और बिल्कुल ये हमारे पास आ गया है, ये हाइड्रोलिक पार्किंग। हाइड्रोलिक तो विस्तार पर बताएंगे, विस्तार। इसमें होगा क्या कि ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा। ये स्टेक को हम लोग नीचे की ओर कर देंगे। अच्छा। नीचे करने के बाद इसके ऊपर गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी। बिल्कुल, और इसको हम लोग बटन के द्वारा गाड़ी को लिफ्ट कर देंगे ऊपर। तो ये हाइड्रोलिक, बिल्कुल आसनसोल में ये पहली बार ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये देखिए हमारे पास। इसके अलावा भी हम लोगों ने पार्किंग दिया हुआ है, काफी बड़ा एरिया लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, कम से कम 70 से 80 कारें, अच्छा। मतलब बिल्कुल रह सकती हैं। जैसे ये हाइड्रोलिक लाने का रीजन क्या है, हाइड्रोलिक लाने का मेन रीजन क्या होता है ना कि जैसे मिनिमम एक कार का जो साइज होता है, ठीक है, वो कार से भी आजकल जो कारें आ रही है वो काफी लंबी और बड़ी कारें आ रही है, तो उनको ना पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल पाता सही, जिसके वजह से हम लोगों ने ये पार्किंग लाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सेगमेंट आसनसोल के लिए बिल्कुल नया है। सो देख रहे दोस्तों, इस मॉल में मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जा रहा है, पता चल रहा है आपको क्या क्या नया है यहाँ पे। हर चीज आपको नया मिल रहा है, स्टोर से लेके एनी टाइम वैरायटी स्टोर आप यहाँ पे खोल सकते हैं, कुछ भी। ऊपर बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्लस जिम है, और क्या चाहिए, और स्पा होगा और मेडिटेशन का बहुत कुछ होगा, जुम्बा क्लास होगा, हर चीज है। और यहाँ देखिए स्पेस, देखिए पार्किंग एरिया, देखिए यहाँ पर। तो ये था हमारा ये दूसरा सेगमेंट पार्किंग का। अच्छा। जो बेसमेंट में है, काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप कार अगर रखें तो कम से कम नई भी तो यहाँ पर 150 से 200 कारें आराम से आ जाएंगी। तक दे रहे हैं, ये हमारा जो लिफ्ट है ये बिल्कुल बेसमेंट तक है, यानी कि आप टॉप से डायरेक्ट बेसमेंट में आके। और हम तो चाहेंगे कि जयंतो दा, आप इस ये ब्लॉग्स आप बनाकर लोगों को ये पहुंचा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और एक चीज है कि जिस दिन हमारा ग्रैंड ओपनिंग होगा आप रहिएगा, और आपको ही ब्लॉग्स बनाना है। बिल्कुल, हाँ ये है कि मैं कुछ ऐसा हिंट्स दे सकता हूँ कि ग्रैंड ओपनिंग में कुछ ऐसा होगा कि जो आसनसोल का अगर मैं बोलूँ तो एक बच्चा भी काफी एक्साइटेड होगा उसका नाम सुनकर, एक यंग भी, लड़कियां भी, बूढ़े भी, सभी। तो गुस्बम आते हैं दोस्तों, गुस्बम। सो दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं कैसा आपका ये मल्टी प्लाजा, फाइव मल्टी प्लाजा कैसा लगा, तो जरूर कमेंट कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं 150 से प्लस स्टोर है ना सर, फर्स्ट फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक जो स्टोर है आपका, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग 150 से प्लस आपका, हाँ, 150 से प्लस है। तो अगर कोई इंसान, अगर कोई पार्टी अगर करना, बुकिंग करना चाहता तो कैसे बुकिंग करे? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक्चुअली हमारी कंपनी स्टेट 21 एक्सक्लूसिव मार्केटिंग, हम आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता जितने भी हम प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग हमारा मार्केटिंग चलता है। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पर बहुत ही ईजी प्रोसेस है, अगर कोई भी कस्टमर हमारे इस वीडियो को या आपके इस ब्लॉग को देखकर कांटेक्ट करता है, अच्छा। तो सबसे पहले क्या है ना कि कोई भी चीज़ लेने से पहले पहले आकर आप वो देखें, विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद अगर कोई भी काउंटर आपको पसंद आता है तो हमारे वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और आप बिल्कुल मुझे भी फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम मनोज प्रसाद है और मैं यहाँ का सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। तो आप बिल्कुल इजी, मतलब इस लिंक को देखकर आप आए इस लोकेशन पे,
और यहाँ की जो बारीकी चीजें हैं या किसी भी काउंटर का रिक्वायरमेंट है तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है या आप मुझे कॉल करके आकर देखकर अपना इजी जो भी काउंटर है उसको बुक कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम लोग आए यहाँ विजिट करें। यहाँ पे हर चीज आपको मिल रहा है, बिल्कुल हर तरह का फैसिलिटीज यहाँ पे है। बिल्कुल 24 आवर्स बिजली का प्रॉब्लम नहीं होगा, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आपका लोकेशन यहाँ पार्किंग एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सीसीटीवी सिक्योरिटी हर चीज का व्यवस्था है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ए टू जेड हर तरह का यहाँ फैसिलिटीज है। प्लस यहाँ का जो लोकेशन आपका सामने स्टेशन है, 50 मीटर दूर स्टेशन है, और ऊपर देखिए खाने का रेस्टोरेंट है, प्लस जिम है, बैंक्वेट हॉल है। बिल्कुल यही होता है। और एक चीज है, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि थैंक्स टू जयंतो, उन्होंने ये ब्लॉग जो बनाया सच में ये काफ़ी काम में आता है, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में लोगों के पास वक्त नहीं होता है कि वो घर पे टीवी देख पाए या न्यूज़पेपर देख पाए, तो उनके पास स्मार्टफोन होता है, और जो स्मार्टफोन में इन जैसे लोगों के द्वारा एक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा दौड़ पकड़ता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप मुझे या जयंतोदा को आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। और थैंक यू सर, आपको इतना अपना बिजी शेड्यूल्स में से आप मुझे वक्त दिए हैं, इसके लिए बहुत चलिए थैंक यू। सो दोस्तों, वीडियो देख चुके हैं, कैसा लगा जरूर बोलिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो चीज जो भी कॉन्टेक्ट करना चाहता मैं सर का नंबर मैं दे दूंगा, और भी कुछ अगर कॉलेज में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। सो थैंक यू।